हेलो ऑल, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद फन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न राइटिंग फॉर नर्सरी किड्स। कैपिटल लेटर्स के लिए मेनली 4 स्ट्रोक्स होते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कुछ कर्व्स। लेकिन ये पैटर्न बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक टॉपिक है, वो है पेंसिल ग्रिपिंग बच्चों में डेवलप करना। बच्ची को अगर पेंसिल अच्छे से होल्ड करना आएगा ही नहीं तो ये पैटर्न राइटिंग किस तरह से कर सकता है। सो पेंसिल ग्रिपिंग बच्चों को में डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेंसिल को अच्छे से बच्चों को होल्ड करना आना चाहिए। सो पेंसिल ग्रिपिंग डेवलप करवाने के लिए हम क्या कर सकते हो बच्चों से? पेंसिल ग्रिपिंग को डेवलप करवाने के लिए आप बच्चों को क्रेयॉन्स दीजिए कुछ इस तरह के। ये एक ट्रायंगुलर शेप में क्रेयॉन है, ये बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग के लिए बहुत ही सही है। कुछ मिनी क्रेयॉन्स होते हैं और कुछ जंबो क्रेयॉन्स भी होते हैं जो बच्चों को पेंसिल की ग्रिपिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। सो इस तरह से जो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं ये क्रेयॉन्स इस साइज में होते हैं, ये आप बच्चों को दीजिए। और ब्लैंक पेपर के बच्चों को सिर्फ स्क्रिबलिंग करने के लिए दीजिए, स्क्रिबल करने दीजिए बच्चों को। मोटिव हमारा सिर्फ यही है कि बच्चों को पेंसिल को होल्ड करना आए। अगर बच्चा इस तरह से स्क्रिबल कर रहा है या फिर कुछ इस तरह से पेंसिल को या क्रेयॉन को पकड़ रहा है तो आप वहीं पे बच्चों को रोकिए और उसे समझाइए कि सिर्फ ये 3 फिंगर्स को यूज़ करके ही पेंसिल को पकड़ा जा सकता है, यही सही तरीका होता है। सो सही तरीके से बच्चों को पेंसिल होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेंसिल को होल्ड करना और उसने उसे चलाना सीख लिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि उसकी स्क्रिबलिंग को लिमिट करें। हम उसके लिए हम क्या कर सकते हो? उसके लिए आप इनिशियली बच्चों को ऐसे कुछ सिंपल से शेप्स बना के दीजिए। जैसे कि यहाँ पे है एक सर्कल एंड एक स्क्वायर। इसके थ्रू आपको क्या करना है, आपको बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना है कि बच्चों को सिर्फ ये सर्कल के अंदर ही स्क्रिबल करना है। सो कलरिंग बच्चे ने सीख लिया, स्क्रिबलिंग बच्चे ने सीख लिया। उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है कि बच्चों को पैटर्न राइटिंग हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए। 4 मेन स्ट्रोक्स होते हैं पैटर्न राइटिंग के, कैपिटल लेटर्स के लिए। कर्सिव राइटिंग के लिए कुछ अलग स्ट्रोक्स हैं, उसके लिए मैं अपने चैनल पे एक और वीडियो बना चुकी है, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी, आप उसे भी इस वीडियो के बाद ज़रूर चेक कीजिएगा। सो कैपिटल लेटर्स के लिए मेनली 4 स्ट्रोक्स होते हैं, स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन जिसे बोलते हैं, एक होती है ये स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन 2 तरीके की होती है, एक होती है राइट टू लेफ्ट स्लांट करते हुए और एक होती है लेफ्ट टू राइट इस तरीके से स्लांट करते हुए। कर्व्स होते हैं, ये है सी वाला कर्व, ये उल्टा सी वाला कर्व और ये 2 कर्व्स। ये कर्व्स और ये स्ट्रोक्स बच्चे ने सीख लिए, उसके बाद ये कैपिटल लेटर्स बहुत ही इजीली बनाना सीख जाता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ये स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन बच्चे को सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे को ब्लैंक पेपर दे दीजिए या फिर कोई भी ब्लैंक सरफेस, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो या फिर बच्चे को स्लेट दे दीजिए, उस पे बच्चे को सीधी लाइन बनाना है। इनिशियली बच्चा बहुत ही बड़ी बड़ी लाइन बनाता है, वो बिल्कुल भी ओके है। मोटिव हमारा यही है कि बच्चे को स्ट्रेट ऊपर से नीचे होते हुए, नीचे से ऊपर नहीं करना है उसे, ऊपर से नीचे होते हुए स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन उसे बनाना है। इस तरह से उसने बनाना सीख लिया। उसके बाद आप उसे 4 लाइन वाली ये नोटबुक इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। इसके अंदर उसको क्या करना है, ये 2 रेड लाइन को जोड़ते हुए उसको स्टैंडिंग लाइन बनाना है। इट इज़ ऑल ओके अगर बच्चा इनिशियली कुछ इस तरह से ऊपर या नीचे स्टैंडिंग लाइन बनाए तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल है। आप उसकी ये लाइन को सही करने के लिए क्या कर सकते हो, आप स्केच पेन की मदद से ऐसे कुछ डॉट्स बना सकते हो तो उसको ट्रेस करके उसको एक लिमिट में स्टैंडिंग लाइन बनाना आ जाएगा। ऐसे डॉट्स करने के लिए बेटर होगा कि आप इस तरह का स्केच पेन यूज़ करें। स्केच पेन की मदद से ये डॉट्स बहुत ही इजीली बन जाएंगे, पेंसिल या पेन्स के साथ वो बहुत ही इजी नहीं होगा। एंड आपको बच्चों को लिखने के लिए ये स्केच पेन बिल्कुल भी नहीं देना है, आप सिर्फ ये क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल ही देंगे। क्यों? अगर बच्चा शुरू से क्रेयॉन स्केच पेन से लिखना सीख रहा है या फिर वो ऑयल पेस्टल कलर है, उसकी ग्रिप, उसकी जो वो पिगमेंट होती है ये बहुत ही डार्क होती है, तो उसको ये स्केच पेन को चलाने के लिए बहुत बच्चे को बहुत ही
कम प्रेशर लगाना पड़ता है। तो इनिशियली अगर बच्चे को हमने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया तो वो जब नेक्स्ट पेंसिल से लिखेगा तो भी वो बहुत ही ऐसे हल्का हल्का लिखेगा। सो इसी को ओवरकम करने के लिए हमें बच्चे को शुरू में स्केच पेन बच्चे को नहीं देना है, हमें यूज़ करना है ये डॉट्स बनाने के लिए, और बच्चे को तो हमें सिर्फ ये पेंसिल या फिर क्रेयॉन ही देना है इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए। तो आपने बच्चों से ये ट्रेसिंग करवा ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि आप सिर्फ ये डॉट्स बना के बच्चे को दे दीजिए और सिर्फ ये डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बच्चे को स्टैंडिंग लाइन बनाना है। स्टैंडिंग लाइन हमारा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्लीपिंग लाइन। ये स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन बहुत ही ईजीली है और इसे सीखने में बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन दोनों को आप एक साथ भी सिखा सकते हो। तो ये एक स्लीपिंग लाइन है, शुरू में बच्चा बहुत ही बड़ी बड़ी बनाएगा, उसके बाद उसकी ये उसको छोटा करने के लिए आप ये फोर लाइन वाली बच्चे को नोटबुक इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। यहाँ पे इजी बच्चों को ये होगा कि बच्चों को सिर्फ लाइंस के ऊपर ही ड्रॉ करना है, तो ये बहुत ही इजीली बच्चा कर पाएगा। पहले आप बच्चे को फ्री हैंड करने के लिए दीजिए, अपने आप से उसे करने के लिए दीजिए। अगर वो बच्चों बड़ी बड़ी बनाता है उसके बाद आप कुछ इस तरीके से डॉट्स बना के दे दीजिए और उसको उसके ऊपर ट्रेस करने के लिए दीजिए। इस तरीके से हो जाने के बाद आप सिर्फ ये डॉट्स बना दीजिए और बच्चे को बोलिए कि सिर्फ ये दोनों डॉट्स को ज्वाइन करके उसको स्लीपिंग लाइन बनाना है। सो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन बनाना हमने बच्चों को सिखा दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन से बनने वाले जो अल्फाबेट है बच्चों को वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। सो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन से बनने वाले जो अल्फाबेट है वो है आई। यहाँ पे सिर्फ स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन है तो बच्चों के लिए इसे बनाना इजी होगा। ये है एल, देन है एफ, ई, एच एंड टी। तो ये अल्फाबेट्स आप स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन सिखाने के बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एक दिन में आप सिर्फ एक ही अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करवाइए बच्चे को, पूरा दिन आप सिर्फ एक ही अल्फाबेट उसे ट्रेस करवाइए या फिर डॉट्स बना के सिखाइए उसे। ये अल्फाबेट के साथ साथ कुछ नंबर्स भी है जो सिर्फ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन के थ्रू बनते हैं। ये है 4 and 1, तो इसे भी आप स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन सिखाने के बाद 1 and 4 भी नंबर भी ट्रेसिंग करवाना आप सिखा सकते हो। सो स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन हमने सिखा दी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन जैसे कि दो तरीके की होती है, एक है कुछ ये इस तरह की स्लांटिंग लाइन और एक है इस तरह की स्लांटिंग लाइन। तो ये दोनों स्लांटिंग लाइन आपको शुरू सिखानी है, सेम वही मेथड है। शुरू में आपको ब्लैंक पेपर पे या फिर स्लेट पे आपको कुछ इस तरह से स्लांटिंग लाइन सिखानी है दोनों तरीके की। उसके बाद हम फिर से इस फोर लाइन वाली नोटबुक के ऊपर आ जाएंगे और इसके थ्रू भी उसे सिर्फ ये रेड लाइन को मैच करते हुए स्लांटिंग लाइन सिखाइए। दोनों तरीके की स्लैंटिंग लाइन बच्चों को सिखा देंगे, उसके बाद फिर से वही मैटर डॉट्स के थ्रू बच्चे को हम स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे, फिर हम सिर्फ ये दो डॉट्स को ज्वाइन करके बच्चों को स्लैंटिंग लाइन बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हम स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट है बच्चों को वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, ये है एक ए। यहाँ पे सिर्फ स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, ये तीनों लाइन बच्चे ने सीख लिए तो बच्चों के लिए ए सीखना बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद है ये के, और है ये एम, और हो गया यहाँ पे हमारा एन, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ये सारे अल्फाबेट सिर्फ स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लांटिंग लाइन की मदद से ही बनते हैं। तो ये सारी लाइन्स हमने सिखा दी, उसके बाद हम ये अल्फाबेट बच्चे को ट्रेसिंग करके लिखना सिखा सकते हैं। और ये एक नंबर भी है 7 नंबर, इसे भी आप स्लांटिंग लाइन सिखाने के बाद लिखना 7 नंबर लिखना सिखा सकते हो। सो स्लांटिंग लाइन भी हमारी हो गई, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया ये हमारा कर्व्स। कर्व्स बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड होगा, ये लाइंस की तरह नहीं होगा तो बच्चा इसमें ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो इनिशियली हमें फिर से ब्लैंक पेपर के ऊपर या फिर व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस तरह से कर्व्स ड्रॉ करना सिखाना है। सो ये बेसिक कर्व है,
इन दोनों को सिखाने के बाद आप ये वाला और ये वाला कर्व्स भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो इस तरह से कर्व सिखाने के बाद हम फिर से आ जाएंगे फोर लाइन वाली नोटबुक के ऊपर। यहाँ पे बच्चे को ट्रेसिंग करवाएंगे। सो हम डॉट्स पहले बच्चों को बना के दे देंगे और उसके ऊपर बच्चों को सिर्फ ट्रेस करके कर्व्स को बनाना है। सो बच्चों कर्व्स भी करना सीख जाए। उसके बाद एक और स्ट्रोक है हमारा, ये ओ वाला कर्व या सर्कल वाला कर्व, तो ये भी हमें बच्चों को सिखाना है। इनिशियली बच्चे को हम फिर से ब्लैंक पेपर के ऊपर ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए दीजिए और बच्चा जब सर्कल ड्रॉ करे तो आप उसे बोलिए कि आप उसे सिर्फ ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है। बच्चे को शुरू से इस तरह से सर्कल बनाने की आदत बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स हैं जो वो कुछ इसी तरह से लिखे जाते हैं, तो उसे सर्कल भी इस वे में अगर वो करे तो वो बहुत ही सही होता है। सर्कल अगर वो अच्छे से ना कर पाए तो उसे आप इस तरह से डॉट्स करके ट्रेसिंग करने के लिए दे सकते हैं। तो ये सारे कर्व्स बच्चे ने सीख लिए। उसके बाद जो अल्फ़ाबेट है, बाकी के जो अल्फ़ाबेट है वो आप बच्चे को सिखा सकते हो, जैसे कि ये हो गया बी सी डी, ये हो गया जी जे ओ पी क्यू आर एस एंड यू। ये सारे अल्फाबेट्स आप अभी बच्चे को ट्रेसिंग करके सिखा सकते हो। और ये 1 and 4 and 7 के अलावा जो नंबर्स है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8, 9 and 10, इसे भी आप ये सारे कर्व्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन सिखाने के बाद ट्रेसिंग करके सिखा सकते हो। इनिशियली सिर्फ आपको ट्रेसिंग करवाना है, फिर आप डॉट्स बना के बच्चे को सिखा सकते हो। और ये सर्कल में मैंने जैसे आपको बोला, आप बच्चे को एंटी क्लॉकवाइज करना सिखाएंगे। सो ये था मेरा आज का वीडियो पैटर्न राइटिंग के ऊपर। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।